सीकर में खड़ा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं सीकर में किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सभी धर्मों के लोग हैं, इसमें मौजूद हैं, साधु संत मौजूद हैं और उसके साथ साथ में सांसद यहाँ मौजूद हैं। और कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एक मौन जुलूस निकाला जा रहा है और पूरी तरीके से यहाँ जो लोग हैं, यहाँ मौजूद हैं लोग और कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। ये मौन जुलूस ख़त्म हो चुका है, आपका कलेक्टर में आगे क्या कहना चाहेंगे ये जो पूरा हत्याकांड हुआ है? जी बिल्कुल, मैं इसको जो ये एक हिंसक जो उदयपुर में है ये बहुत शर्मनाक है हमारे हिंदू समाज के लिए। हम एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को कि हम अकेले नहीं हैं, पूरी समाज हमारे साथ है। हमने सिर्फ मौन जुलूस इसलिए निकाला है, हम शांतिपूर्व, हम लोगों ने, हमको भी विद्रोह है पर हम शांतिपूर्व इसको करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल, यहाँ पर जो यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका ये कहना है कि मौन जुलूस जो है उनकी तरफ से निकाला जा रहा है और मौन के माध्यम से इनका ये कहना है कि कन्हैया लाल के हत्यारों को कड़ी से कड़ी जो है सजा मिले और कोर्ट में उनकी सुनवाई जल्द से जल्द तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सुनवाई हो। एडवोकेट भी यहाँ पर मौजूद हैं कई और उसके साथ साथ में तमाम जो सीकर के जो लोग हैं वो यहाँ आज निकले हैं सड़कों पर मौन जुलूस के द्वारा, इनके द्वारा जो है पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ TV9। और अब अमरावती की बात, जहाँ दवा व्यापारी उमेश कोले की हत्या को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है और इसी बीच आज अमरावती में उमेश कोले को श्रद्धांजलि दी गई, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अमरावती से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट देखिए। अमरावती के उमेश कोले हत्याकांड के लगभग 14 दिन बीत चुके हैं और इन 14 दिनों में जो 7 आरोपी हैं वो पकड़े जा चुके हैं। अब बीजेपी ने इस पूरे मामले में उमेश कोले जी को श्रद्धांजलि देने के लिए अमरावती के राजकमल चौक पे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। इस वक्त आप उसी श्रद्धांजलि सभा की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर उनकी मूर्ति रखी गई है और सामने फूल माला चढ़ा गया है। इस मौके पर उनके परिवार के सदस्य, आप एक साइड से शुरू करेंगे तो उनकी बेटी मौजूद हैं, उनके घर के सदस्य मौजूद, उनके बेटे संकेत मौजूद हैं, उनके छोटे भाई मौजूद हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सामने आप अगर देखेंगे तो एक बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक और जो लोग स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। इस श्रद्धांजलि सभा के लिए चलते आसपास की दुकानों को बंद रखा गया है और बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। इस श्रद्धांजलि सभा के स्थल के चारों तरफ पुलिस कर्मियों की भारी तादाद में तैनाती की गई है। किसी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। हालांकि इस श्रद्धांजलि सभा की खबर के बाद पुलिस ने तमाम ऐसे संगठन हैं जो इस श्रद्धांजलि सभा में आना चाहते थे या इसको समर्थन दे रहे थे उनको डिटेन किया है, हिरासत में लिया है। लेकिन अभी फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से ये श्रद्धांजलि सभा चल रही है। बीजेपी के बड़ी तादाद में जो स्थानीय नेता है, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो या फिर बाकी संघ अनुवांशिक जो उनके संगठन हैं उनके सदस्य हो, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तादाद बड़ी है और आसपास के स्थानीय लोग या व्यापारी वो भी श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। सब अपनी तरह से उमेश कोले जो कि एक व्यापारी थे और उनका अपराध सिर्फ इतना था क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट को व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड किया था, जिसके बाद कुछ लोगों को यह आपत्तिजनक लगा और उन लोगों ने साजिश के तहत उमेश कोले की हत्या कर दी।